सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सभी का? और राजस्थान में पधारे हैं तो सभी भाइयों को खम्मा गणी। दोस्तों कल शाम में राधे सियाग खम्मा से अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से इनकी दो झोटियों की जो M29 की है एक अर्जुन कुंगड़ी की झोटी है इनकी लाइव मिल्किंग चलाई थी। कल शाम को खाली हो गई थी और इनका जो भी दूध रिकॉर्ड है वो अपने चैनल पर जाके देख लो भाई, कल शाम की वीडियो की जो मैंने डाल दी थी। तो कल दिक्कत आ रही थी, रेंज की दिक्कत थी, नेटवर्क बहुत कम है यहाँ पर और अभी जो क्लियरिटी भी नहीं बन रही थी। कल लाइव में लाइव चलाई थी, कमेंट सेक्शन में यही दिक्कत थी कि क्लियरिटी नहीं आ रही। तो अगर लाइव चलाते हैं हर चीज़ का सोल्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर चलनी चाहिए, इसीलिए आप एक बार शूट करके वीडियो फिर इसके बाद अपलोड करेंगे। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, एक बार आपको गूगल पर टाइम एंड डेट में चेक करवा दूंगा, कल वाला टाइम इसी टाइम मतलब सेम होंगे, दोनों की लाइव मिल्किंग कराएंगे, बढ़िया लाइव मिल्किंग कराएंगे। शेयर जरूर कर दियो वीडियो को, अच्छी वीडियो होने वाली है। और राजस्थान के सभी भाइयों से अनुरोध है कि ऐसे ऐसे पशुपालकों को देखकर एक बढ़िया जागरूकता मन में लेकर आए और अच्छे काम करें। अच्छा काम करोगे तभी अच्छा भविष्य है मुर्रा का, तभी अच्छा एक जो स्टेज आप हासिल करवा सकते हैं अपने राजस्थान में। तो चलिए आज की लाइव मिल्किंग की स्टार्टिंग करते हैं भाई। तो दोस्तों देख सकते हो आप लाइव मिल्किंग चला दिए भाई, सबसे पहले एक बार डेट एंड टाइम चेक कर। गूगल गूगल प्लीज टेल मी टाइम एंड डेट, एक मिनट सॉरी, ये लो बच्चे छोट रखे हैं। गूगल प्लीज टेल मी टाइम एंड डेट, ये दे लो 11 जुलाई 6:17 एम हो गए भाई। और कल भी इसी टाइम पर यानी कि 10 जुलाई शाम को यहाँ पर अपने किया क्या था, इनको खाली कर दिया था। और जो दूध रिकॉर्ड है वो भी मैं बताता रहूंगा। और आज 6:17 हो गए हैं, ये काफ छोड़ दिए भाई, देख लो काफी शानदार जोटी है, दोनों की दोनों बेस्ट जोटी है भाई। इस क्षेत्र की मैं कहूंगा अव्वल जोटी कहूँ तो गलत नहीं होगा, राजस्थान में ही नहीं मिलेंगी ऐसी ऐसी जोटी, बहुत शानदार। और राजेश भाई जो मेहनत कर रहे हैं सबकी बस की बात नहीं है, एक जो कहते हैं ना भाई नायक वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसा काम करना एक उदाहरण होता है, एक मिसाल होता है, काफी शानदार। तो काफी शांत स्वभाव के हैं दोनों ही की दोनों भैंसे, बहुत शानदार। तो शूट करेंगे भाई फिर डालेंगे अपलोड में। कई भाइयों के कमेंट आएंगे कि लाइव क्यों नहीं आई, तो रेंज की दिक्कत है, अगर क्लियर नहीं बनी तो कोई खास मजा नहीं आता मिल्किंग में, क्योंकि मिल्किंग की ऐसी वीडियो होनी चाहिए बिल्कुल साफ साफ, कोई धोखाधड़ी कोई कुछ नहीं। और इतना तो आप लोग विश्वास भी करते हैं आपके छोटे भाई पर, पता है कि जो चीज होगी वही दिखाएंगे। तो काफी शानदार जोटी है भाई, एक बार फिर से एड्रेस नोट करवाना चाहूंगा आपको, लखनवास गांव है, तहसील भादरा और डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, यहाँ का अपना जो ये देखो भाई ये बाल्टी 1000 बिल्कुल क्लियरिटी से दिखाएंगे भाई। ताऊ जी हैं जो राजेश भाई हैं, तो रात यहीं रुके थे, बहुत अच्छे इंसान भाई ये, मान लो दिल के बहुत अच्छे हैं। और तभी मजा आता है जो एक अच्छी साफ सुथरी मतलब अपनी छवि बनाते हैं, उन्हीं की वीडियो कॉल में मजा आता है, अच्छे इंसान जरूरी हैं भाई। ताऊ जी दिखाइयो एक बार, पूरी बाल्टी खाली दिखा दो, ये देख लो भाई पूरी खाली कर दी, ठीक है ठीक है, ये देख लो भाई पूरी खाली कर दी है। ये अर्जुन कुंगड़ की जोटी है और इन पकड़ कर, इन पकड़ पकड़ी ना पकड़, तो भी काफी शानदार जोटी है, अच्छे। राजेश भाई दिखाइयो एक बार, राजेश भाई ये देख लो भाई बिल्कुल खाली हो चुकी है, हाँ ठीक है निकाल लो, तो बिल्कुल साफ साफ चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो आप क्लियरिटी से वीडियो बनेगी तभी मजा आएगा, तभी एक जो साफ सुथरी छवि बनेगी मन में। और थोड़ी भी अगर धुंधलापन हो जाता है नेटवर्क की वजह से वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए शूट कर रहा हूँ। काफी अच्छे पशुपालक हैं भाई, बहुत शानदार। देख लो भाई काफी शानदार, एक फोटो ले लेंगे बनवा लो।
तो ये जो है ये अर्जुन कुंगड़ की बेटी भाई, ये सामने आप देख सकते हैं, काफी शानदार दुधारू है, बहुत शानदार। अभी लगभग एक बार बताना चाहूंगा 2 महीने की ब्याई हो चुकी है। आज दूध आप कल शाम की रिकॉर्डिंग देखी हुई आपने, आज भी दिखा देंगे कितना है। और 8 में भी आ चुकी भाई, AI कंसीव कर लिए इसने। और तो बात ये है, 2 महीने की ब्याई है, दूध भी अच्छा निकाल दिया पहले इलेक्ट्रिशियन में। और एक इसके थन में दिक्कत थी भाई, वो भी राजेश भाई से पूछेंगे क्या कुछ है। और जो M29 वाली है ये सेकंड टाइमर भाई, ये भी काफी अच्छे दूध की रिकॉर्ड की, बहुत शानदार। तो अच्छा काम करोगे, अच्छा नाम बनेगा, अच्छी पहचान बनेगी और अच्छा ही मजा भी ज्यादा ही आएगा। तो बिल्कुल शांत स्वभाव की ये देखिए। और राजस्थान के लिए वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है भाई, जो भी भाई राजस्थान से जुड़े हैं उनको तो कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, शेयर इतने बिठा दो, क्योंकि अगर राजस्थान में ऐसी ऐसी वीडियो उनके मतलब राजस्थान के जो गांव है लखनवास हुआ, अगर ऐसी ऐसी वीडियो यहां से शूट करूंगा और आप लोग शेयर करोगे तभी जाकर कहीं जागरूकता पैदा होगी भाई आपके राजस्थान में। और एक इच्छा है मन में कि हर स्टेट में हर जगह पर मुर्रा लवर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एज कोई हो, 13 साल हो चाहे 23 साल हो और चाहे 83 साल हो, मुर्रा लवर होने बहुत ज़रूरी है भाई। देखो दोनों की चल रही है भाई, काफ़ी शानदार साफ सुथरी वीडियो है, कोई धोखाधड़ी इतना तो आप विश्वास भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अर्जुन कुंगड़ की बेटी भाई, इसके नीचे मेल काफ है अपने तूफान कुंगड़ का, और जो M29 की झोटी है इसके नीचे है फीमेल काफ। तो देखो बहुत शानदार। तो चैनल की पहली ऐसी 2 बुफेलो हैं ये जिनकी लाइव मिल्किंग चला रहे हैं, तो शेयर की तो कोई मतलब कम गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बढ़िया शेयर बैठा दो भाई। और कल जैसे वो वीडियो डाली थी कल सुबह, वो 2 लेडी थी तो उनको बहुत सपोर्ट दिया आपने, तो ऐसी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो में लाता रहूंगा तभी जाकर कहीं एक जो पशुपालन का रुझान है वो ज्यादा अपने परफॉर्मेंस ज्यादा लेकर आएगा। ये देखिए बिल्कुल शांत स्वभाव की हैं, कोई इनमें मतलब है मतलब कुछ नहीं है, बहुत शानदार अच्छी झोटियां भाई इनकी। एक बार वीडियो कवर करूंगा मैं शाम को, एक बार दूध निकालने के बाद इनकी स्पेशल वीडियो शूट करेंगे, वो डालेंगे, फिर इनका कितना दूध रिकॉर्ड होया वो सब बताएंगे भाई। काफी शानदार झोटी है। और बताना भाई कमेंट सेक्शन में कैसी चल रही झोटी, कैसी हैं, क्योंकि राजस्थान में तो इतना दूध मुश्किल से मिलता है, कहने को कुछ कह लो लेकिन पहले इलेक्ट्रिशियन में अगर मुर्रा 15-16 किलो निकाल दे वो भी राजस्थान में, बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई। कहीं भी निकाल दे बड़ी बात हो जाती है, 15-16 किलो खूब हो जाए। और राजेश भाई ने बताया था जो अपने अर्जुन कुंगड़ की बेटी, इसके थन में दिक्कत हो गई थी भाई, इसलिए थोड़ा हाथ दूध कम रह गया, वरना 18+ की झोटी होनी थी। तो नेक्स्ट ब्यांत में कवर कर देगी अपने जो भी थन में दिक्कत आई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आम पशुपालक के घर जाकर अगर वीडियो बनाता हूँ तो बहुत खुशी होती है भाई, क्योंकि उसको जब वो अपने आप को यूट्यूब पर देखता है तो मतलब एक जागरूकता भी फैलती है, उसको भी प्रोत्साहन मिलता है। तो ये देखते रहिए भाई, और बताना वीडियो कैसी लग रही है, चैनल पर डेली रूटीन से वीडियो आ रही है तो कमेंट जरूर कियो, जो भी मतलब जैसी भी लगी है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी, तो लगनी नहीं चाहिए क्योंकि प्रयास रहता है अच्छी वीडियो बनाए, जो भी छोटी मोटी कमी रह जाती हैं आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके जो लाडला भाई दीपक सिहाग उसने नया चैनल स्टार्ट किया है, अभी एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो भी मज़ा आएगा। अभी कल फोन आए थे शायद वो बनारस से थे, कहाँ से थे, तो उन्होंने भी बताया कि कई जगह गए पर वीडियो में कमी रह जाती है, तो अच्छा लगा उन्होंने कमी निकाली, तभी मजा आएगा, आगे से ध्यान रखेंगे वीडियो और अच्छी बनेगी। देखिए बिल्कुल शांत स्वभाव की। और जो भाई सीमन प्रक्रिया है इस पर ध्यान दे, क्योंकि जो आज
उचित नस्ल का बढ़िया सिमन आ रहा है उसी का प्रयोग करें, चाहे वो अर्जुन कुंगड़ है, चाहे तूफान कुंगड़ है, जो भी बुल हैं, फेमस बुल हैं, अच्छे बुलों का सिमन प्रयोग करो भाई, तभी कुछ नस्ल सुधार में कर पाएंगे हम आम किसान को, एक अच्छे जो ब्रीडर बोलते हैं उसका जो ओहदा है वो दिलवा पाएंगे। अगर नस्ल पर काम करोगे तभी ये संभव है, वरना संभव नहीं है भाई। ना ना चल दो, कोई दिक्कत ना ना, निकाल देता हूँ, निकाल लो कोई दिक्कत। तो सेकंड टाइम की भी इसकी जोटी की मिल्किंग हो चुकी है भाई, यहाँ पर रख दो भाई साहब, उरे नहीं उरे नहीं उरे का ऑर्डर रख दो, कोई भी दिक्कत को नहीं, थोड़ी पीछे थोड़ी पीछे, हाँ बस बस उरे रहियो, पकड़ी रखो कदी वो कटड़ा आ जाए। तो एक एम अर्जुन कुमड़ वाली की होली है भाई मिल्किंग, M29 वाली रहती है इसकी भी हो जाएगी, बिल्कुल साफ सुथरी है भाई, इतना तो विश्वास भी कर रहे हो आप लोग, बार बार कह रहे हो वीडियो में, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा दूध है उसकी आप गारंटी ले रहे हैं भाई, जितना निकाला है, तो कोई भाई शंका ना करे। तो अच्छी जोटियां भाई, मेहनत भी ज्यादा कर रही है दूध, मैं कहूंगा जो किसान की मेहनत है, किसान का जितना पसीना निकलेगा उतना ही दूध निकलेगा भाई, जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा दूध। बिल्कुल खाली कर दिए भाई, अच्छी जोटी है, बहुत शानदार जोटियां दोनों ही, और ये M29 वाली का भी निकाल दिया भाई, ले चलो भाई एक बार कांटे पर ले चलो दोनों को, हाँ वहीं रख दो भाई, वहीं रख दो, स्टार्ट करो भाई एक बार इसको, ये वायर हटा दो ऊपर से, हाँ हाँ बस, तो ये बिल्कुल जीरो देख सकते हैं भाई आप, रखो बाल्टी रखो भाई, जीरो है बिल्कुल जीरो भाई, और काफी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि एक अच्छी मिल्किंग का इसे रूप दे सके। तो ये देख सकते हो थोड़ी ही, कल 600 ग्राम थी, आज 620 है, क्योंकि मिट्टी लग रही है थोड़ी ही, कई भाइयों के कमेंट आ सकते हैं, तो बिल्कुल साफ है, ये देखो भाई 6 किलो 20 ग्राम इसमें बाल्टी में, जीरो कर दो भाई, जीरो हो जाएगा ऊपर, जीरो कर दो, तो बिल्कुल जीरो कर दी है भाई, ये देखो बिल्कुल जीरो कर दी है, और ये पूरा मापन करेंगे आप, चलो भाई डाल दो एक बार, ये जो ये M29 वाली, M29 की जोटी है उसकी मिल्किंग का जो दूध है भाई वो है, ये देखते हैं कितना रिकॉर्ड होता है। तो अभी देखते हैं, अच्छी जोटी है दोनों ही, बेस्ट जोटी कहूंगा, बहुत शानदार मिल्किंग की है भाई, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अभी देखते हैं कितना रहेगा दूध। तो ये देख सकते हैं आप 9 किलो 800 ग्राम, ये देखो 9 किलो 820 ग्राम इसका होया भाई, सेकंड टाइम का M29 वाली जो जोटी थी उसका 9 किलो, ये देखो कोई कमी नहीं रह जा भाई, अच्छी तरह दिखा है 9 किलो 800 ग्राम, पूरा थोड़ी बहुत 10-20 ग्राम की हो जाती है कांटे में, तो 9 किलो 800 ग्राम इसमें दूध है भाई, बहुत शानदार। तो अभी अर्जुन कुंगड़ी वाली है जो, उसकी और देखेंगे भाई कट्टा कितना होगा, हाँ जीरो ही है, तो देख सकते हो भाई बिल्कुल जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से परेशानी नहीं आनी चाहिए कमेंट्स में कि दिक्कत होनी है कांटे में, बिल्कुल साफ सुथरी है देख सकते हो। देखते हैं कितना क्या कुछ रहता है, और ये जो अर्जुन कुंगड़ वाली है भाई इसका हुआ है अब 7 किलो 320 ग्राम, तो 7 किलो 320 ग्राम ये भी काफी शानदार, 7 किलो 320 ग्राम इस जोटी की जो पूरा तुलन हुआ है, बहुत शानदार जोटी भाई।
पहले ब्यांत की चोटी भाई काफी अच्छी चोटी है, अच्छा रिकॉर्ड करवा है, बहुत शानदार। और अभी इसमें काफी जो लिखित प्रक्रिया है वो भी डन कर देंगे। तो भाई साहब कल शाम को कितना था एक बार बताएं, दिखा दो। शाम को M29 ये देखो 120 ग्राम। कल शाम की बात है, M29 की मैंने वीडियो भी डाल रखी है, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। 9 किलो 420 ग्राम M29 वाली चोटी का था। और जो रेशमा अपनी ये अर्जुन कुंगड़ वाली है उसका था 7 किलो 860 ग्राम उस चोटी का था। तो अभी और रिटर्न कर दो भाई एक बार। तो सुबह जो M29 वाली का है ये रिटर्न करवा देते हैं। कितना है वो? कितना था भाई? 9 किलो 800 ग्राम। थोड़ी भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। अभी रेशमा का है वो 7 किलो 320 ग्राम। रेशमा भाई ने नाम रखा है जोटी का, बहुत शानदार जोटी है। और 320 ग्राम जी। तो ये आप देख सकते हैं काफी शानदार, ये देखो भाई। तो राजेश भाई इन झूठियों के बारे में थोड़ा थोड़ा और बताएं, क्योंकि जो भाई पिछली वीडियो देखने में वंचित रह गए उनके बारे में थोड़ी और डिटेल देना चाहूंगा मैं। सबसे पहले जो अपनी M29 की इसके बारे में बताएं कुछ, थोड़ी भयभीत है, बताएं थोड़ा इसके बारे में। दूसरे ब्यांत की है, ठीक है। और इसका दूध कितना है अभी? तो 9 किलो 320 ग्राम हुआ। जी जी 9 किलो, तो लगभग 20 केजी। जी 20 केजी की माने तो गल्त नहीं होगा। जी जी, क्योंकि भयभीत आप देख सकते। जी जी, आप कैमरे वगैरह की अगर आगे लेकर आते हैं तो पशु थोड़ा डर जाता है। ये दोनों बहन है। अच्छा, ये दोनों बहन है, काफी शानदार। तो इसके बारे में और बताएं भाई। ये अर्जुन कुंगड़ की है, अर्जुन कुंगड़ की बेटी है, अपने बुल की बेटी है भाई। पहले लैक्टेशन की जोटी है जो आग। जी जी, बहुत शानदार है। तो इसका क्या कुछ दूध रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में और बताएं। इसका अभी 7 किलो 400 ग्राम, 7320 है। हाँ हाँ, पहले 7 किलो 800 ग्राम, 7 किलो 800 ग्राम कल था इसका। तो ये भी काफी शानदार। तो इसका दूध आप 15 किलो माने तो कम होगा या ज्यादा होगा, बताएं थोड़ा। 15 किलो तो कम तो कैसे, ज्यादा ही होगा। जी जी, तो आप बता रहे थे इसके थन में दिक्कत हो गई थी, उसके बारे में बताएं। इसके थन में एक जो आगे वाला पिंड परली साइड वाला थन है ना। अच्छा अच्छा, इसमें लेउटी और थन में पूरी पूरी गांठ हो गई है। अच्छा, गांठ हो गई थी। जी जी, बिल्कुल पत्थर बन गए। जी जी, तो फिर अभी आराम है या कैसे है? अभी ठीक है, अभी थोड़ा ठीक होने लगे। कसर है? जी जी, 5% कसर। जी जी, तो आपका क्या मानना था कितना दूध निकाल सकती थी ये? 20+ जा सकती थी। अच्छा, 20+ जा सकती थी। जी, क्यों? ये 4-5 दिन पहले हीट में आ गई इसके। अच्छा, हीट में भी आ गई। तो अभी 4-5 दिन पहले भाई ने बताया हीट में आई है। तो हीट में आता पशु तो थोड़ा दूध पर तो बहुत असर पड़ता है, थोड़ा नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि हीट में आता है स्ट्रेस में चला जाता थोड़ा पशु, इसलिए थोड़ी दूध में भी दिक्कत होती है। तो बीमार थी लेकिन बहुत शानदार दूध रिकॉर्ड कर रहा है, काफी शानदार चोटी दोनों की दोनों। ठीक है भाई राजेश, सभी को राम राम। और शाम को अच्छा तूफान का कटड़ा इसके नीचे वो मैंने दिखा दिया था, वो भी काफी शानदार है। तो आज कल सुबह आज शाम को फिर से वीडियो आएगी भाई, देखना ना भूले, काफी शानदार चोटियां हैं, उनकी भी लाइव चलाएंगे। ठीक है भाई राजेश, नमस्कार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।